मैया एकदम प्लेन रखना। हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर नहीं, प्लेन प्लेन, बिल्कुल प्लेन रखना। और ये धुआं किधर से निकल रहा है? धुआं धुआं बंद कर देना। धुआं बंद कर दो। हाँ धुआं बंद कर रहे। बीर पड़ा की ये धरती एक बार देखिए, कोई दिख रहा है क्या? कोई दिख ही नहीं रहा तो घर देखिए देखिए। मतलब ये कह रहा हूँ क्या, एक बार तालियों से बता दीजिए, इसे सुनाई दे दे कि लोग हैं यहाँ पर। मजा आ गया यार, मजा आ गया ना। और ये बीरपाड़ा की धरती है जहाँ पर हम सब आए हैं, और बीरपाड़ा जूनियर कमेटी ने हमें यहाँ पर बुलाया है। पूरे 7 साल के बाद हम यहाँ पर आए हैं। तब तक उनके भी जूनियर जूनियर 2-3 हो गए हैं। हाँ उनके भी 2-3 जूनियर जूनियर हो गए हैं। अच्छा रोमियो, देख यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आज छठ पूजा का ये पावन अवसर है जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इतनी भीड़? बहुत भीड़ है यहाँ पर हमेशा। भैया साउंड बढ़ा कर रखिए थोड़ा। ए दादा। हाँ हाँ साउंड बढ़ा कर रखने का। हाँ हाँ दादा समझ गए। दादा समझदार है। हाँ जब से आई है उनका मूछ दाढ़ी। हाँ आ गई है समझदारी। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और जितने हमारे तू देख रहा है जूनियर, जो बीरपाड़ा जूनियर कमेटी के जितने लोग हैं, उनको देखकर कैसा लगता है? उनको देखकर लगता है हाँ सारे के सारे बाहुबली के कैरेक्टर से हैं। सच में जिस हिसाब से उन लोगों ने बॉडी बना रखी है, सब लगते हैं कि एकदम से बाहुबली बाहुबली फिल्म के कैरेक्टर हैं। हाँ हाँ। अपने पिंटू भाई कैसे लगते हैं? बाहुबली लगते हैं। अच्छा अच्छा। और अपने ये बिट्टू भाई? अरे यार वो तो भल्लाल देव लगता है। भल्लाल देव लगता है? हाँ अगर सर का बाल हटा लिए हाँ तो कटक्का लगेगा। और मैं कैसा लगता हूँ तुझे? तू काली के? काली के लगता हूँ मैं। अच्छा वो डायलॉग सुना ना। कौन सा? वो निम्डा डोजरस टेल मी हर बुश का क्विक निबुमला महिनुजु उन्नो जानता हर बुश का क्विक निबुमला। ए साले देखा ना मैंने कहा था ना तू काली के है, है कि नहीं? चुप रहे। अच्छा एक शायरी हो जाए। शायरी? हाँ। पेट्रोल हो तो चलती है गाड़ी। अरे वाह पेट्रोल हो तो चलती है गाड़ी। पेट्रोल से चलती है गाड़ी। क्या नया बात बताया है? शायरी सुनना चुपचाप। ठीक है। पेट्रोल हो, पेट्रोल हो तो चलती है गाड़ी। वाह पेट्रोल हो तो चलती है गाड़ी। पेट्रोल हो तो चलती है गाड़ी। अबे आगे क्या? पेट्रोल नहीं हो तो नहीं चलती है गाड़ी। बदमाश कहीं का। अच्छा लेकिन कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है। कौन कहता है पेट्रोल महंगा हो गया? ये कहाँ जा रहे? फोन आ गया क्या? इतनी रात को 2 ही लोगों का फोन आता है। किसका? एक तो उधार का या फिर जुगाड़ का। ओए पागल भाई को किसी का फोन नहीं आता, ऐसे वो अपना वीडियो बना रहे। चंद्रकांता की कहानी। हाँ उनका नाम चंद्रकांत है। बहुत शांत है। बहुत शांत है। तू क्या बता रहा था पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है ना? कैसे? मैंने 20 रुपया का पेट्रोल भरवाया। 20 रुपया का पेट्रोल भरवाया और 40 किलोमीटर घूम के आया। ऐसा कैसे हो सकता है यार, 20 रुपए का पेट्रोल भरवा के तू 40 किलोमीटर कैसे घूमा? देख हाँ मैंने 20 रुपया का पेट्रोल होटल में भरवाया। तूने 20 रुपया का पेट्रोल बोतल में भरवाया, फिर साइकिल से घूमने निकल गया। पेट्रोल भरवा कर साइकिल से घूमने निकल गया। अच्छा अभी मान ले कि सामने से कोई ट्रेन आ जाए। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ मान ले कि सामने से बहुत तेज ट्रेन आ जाए तो तू क्या करेगा? हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, उड़ जाऊंगा। अरे यहाँ से तेरा हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा? जहाँ से तेरी ट्रेन आएगी साले। ये बहुत बदमाश है। कहाँ जा रहा है भाई? जा रहा है वो कहीं बैठने जा रहा है। कोई अच्छा सा नहाया हो पड़ोसी देकर बैठना। ठीक है। हाँ समझ गया समझ गया। अच्छा कल तू मेरे घर आया था। मैं मेरे सोफा के सामने तू बैठा था। फिर जो है कि तू मेरे से बोला कि कुछ लाओ खाने के लिए। तब तक मैं तुझे खोटी लग गई। हाँ तो तू बाथरूम चला गया। हाँ मैं बाथरूम गया और जब मैं वापस 10 मिनट के बाद आया तो मैंने देखा तू टेबल से जा चुका था, अपने घर जा चुका था। हाँ तो वहां पे मेरा 500 रुपया रखा हुआ था, वो भी तेरे साथ चला गया। तू क्या कहना चाहता? मैंने चोरी की है, जाऊंगा तेरे से बात नहीं करता हूं। अरे अरे भाई भाई अरे अरे यार गुस्सा नहीं करने का। अरे सुन तो। मैं नहीं सुन रहा। अरे अरे सुन ना यार,
अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, तूने नहीं लिया होगा, किसी और ने लिया होगा। हाँ ठीक है, एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलना। मैंने ही लिया था। या, ए, मेरे 500 रुपए दे। बहुत अच्छी ऑडियंस है। अबे मेरे 500 रुपए दे। लाइट मस्त है। मेरे 500 रुपए दे। लड़कियां भी आई हैं। मेरे 500 रुपए दे। सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा भाई, आपको सुनाई दे रहा धर्मेंद्र जी? उन्हीं से ले लो। अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं। आज बहुत सारे सिंगर आए, विनय जी आए, करिश्मा आई। किसकी वहाँ? करिश्मा कपूर? कपूर नहीं रे, करिश्मा पांडे। आज है संडे इसलिए आई करिश्मा पांडे। क्या राइमिंग है। हाँ बढ़िया राइमिंग है, बढ़िया राइमिंग है। अच्छा हमारे दोस्तों से, जितने युवा दोस्त हैं हमारे, देखो मेरी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लेना, मेरी बातें आपको हंसाने के लिए होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। हाँ, क्योंकि इंसान के हाथ में तो केवल मोबाइल है। सही बात है। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है फिर वो किसी के वाह का नहीं होता है। बात तो सही, जब हाथ में मोबाइल आ जाए तो आदमी किसी पर ध्यान ही नहीं देता है। अच्छा एक शायरी मैं चाहता हूँ कि तू हमारे दर्शकों को सुना। शायरी? हाँ शायरी सुना दे, बहुत प्यारी सी एक शायरी सुना दे। यहाँ पर लोग आए हुए, लेकिन जो हमारे जूनियर बीर पारा कमेटी के लोग हैं, इनसे क्या कहना चाहता है? जब भी किसी से कुछ मांगो। हाँ जब भी किसी से कुछ मांगो तो ऐसे मांगो। कैसे? जैसे अपने वाह की है। जब भी किसी से कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे अपने बाप की है। दे दे तो ठीक। हाँ नहीं दे तो कौन से अपने बाप की है। बात तो सही। अच्छा एक शायरी हो जाए। शायरी? हाँ मैं सुनाऊँ? हाँ ठीक है सुना। कि इतने कमजोर हो गए हैं हम तेरी जुदाई से, देखकर लग नहीं रहा है कि कमजोर हुआ है। शायरी सुनना चुपचाप। हाँ। कि इतने कमजोर हो गए हैं हम तेरी जुदाई से कि मच्छर भी उठा ले जाते हैं चारपाई से। अच्छा तुझे पता है इतने दिनों में अभी पिंटू भाई की शादी हो गई। शादी हो गई? तेरे को नहीं बुलाया ना? हाँ उन्होंने कॉल किया रहेगा, फोन लगा नहीं रहेगा, या फिर भूल गए होंगे। कैसे बेइज्जती को संभाल रहा है। तुझे क्या लगता है? उनको सब याद था। हाँ तो फिर बुलाया क्यों नहीं? पंडित जी ने कहा था, हाँ एक पूजा कीजिए, इसके बाद भूत प्रेत नहीं आएंगे। चुप, मैं तेरे को भूत प्रेत नजर आता हूँ क्या? थोड़ा थोड़ा तो लगता है। चुप रहे। पिंटू भाई की जब शादी नहीं हुई थी तो वो भाई जो है अपना कपड़ा खुद से धोते थे, अब उनकी शादी हो गई है अब अपनी पत्नी का भी धोते हैं। ऐसा नहीं है। कहते कि हम लोग को डरना नहीं चाहिए, और जब भी डर लगे तो कहिए आलतू जलालतू आई बला को कालतू। अबे कालतू नहीं, टालतू। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि कालतू आया है क्या? कालतू किधर है? कालतू कालतू ए कालतू। हाँ है, कहीं पर से तो होगा जो हमें सुन रहा होगा। कालतू कहाँ चला गया? वो है कालतू। हाँ और धर्मेंद्र जी? फालतू। फालतू नहीं है। अच्छा अच्छा दोस्तों देखिए, सबके अलग 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 अंदाज होते हैं। आजकल लड़कियां बालों के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल होते हैं। तू तो हेयर स्टाइल की बात ही मत कर। इन दिनों मेरा बाल कट गया है तो क्या हो गया, आ जाएगा। खुद की खेती है, आ जाएगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि लड़कियों के होते हैं सिल्की बाल, किसी के होते हैं करली बाल, और जिससे सब परेशान है वो केजरीवाल। केजरीवाल? अच्छा मैं ये कह, क्या हो गया? देख रहा हूँ किसके किसके सर पे बाल कम है। अच्छा जेंट्स में देख रहा है किसके किसके सर पे बाल कम है। चंद्रकांत जी। हाँ 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 इधर 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 भी देख रहा हूँ। जिसके सर पे बाल कम होता है उसको क्या होता है? उसको पत्नी बहुत मानती है। जिसके सर पे बाल कम होता है उसको पत्नी मानती है? और क्या, कैसे? आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती है। अच्छा आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं, कौन? एक माँ और एक पत्नी। अच्छा माँ है और एक पत्नी, फिर क्या होता है? जब माँ हाथ फेरती है हाँ तो बाल आते हैं। अच्छा पत्नी फेरती है तो चले जाते हैं। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे बाल कम है, उनको देखकर क्या लग रहा है?
उनको देखकर लग रहा है हाँ मोहल्ले की दो चार औरतों ने ही हाथ फेरा है। अच्छा एक हमारे दोस्तों के लिए जो पढ़ने वाले दोस्त हैं जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक शायरी मैं कहना चाहता हूँ। हाँ तू भी कहेगा ओके ठीक है कि दोस्तों जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो इश्क बुरी चीज है मत किया करो अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ दो और अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे भरोसे छोड़ दो। अच्छा खास करके हमारे जो युवा दोस्त हैं जितने जेंट्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त एक मिनट मुझे क्या कहना है। हाँ ठीक है तू भी बोलो ठीक है एक लाइन में बोलता हूँ अगली लाइन तू कि दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। गुटखा खाने से कौन चुस्त तंदुरुस्त रहता है सेब खाइए सेब सेब खाइए और खास करके महिलाएं अगर आप रहना चाहती हैं फिट तो पीजिए दारू। अबे दारू पीने से कौन फिट रहता है जूस पीजिए जूस जूस। लेकिन एक बात है साहब जो लोग नशा करते हैं ना जो लोग नशा करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं तो फिर जवानी में ही टैग सही बात है जवानी में ही टैग कर जाते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप जानते हैं मैं मुंबई रहता हूं ऐसे मेरा बिहार पूर्णिया जिले से काफी ताल्लुकात है मैं वहां का मेरा जन्म स्थान है पूर्णिया मैं मुंबई रहता हूं ये भी मेरे साथ मुंबई रहता है ये सरकारी नौकरी करता है। लेकिन एक बात बता तू अपने सर से अपने बॉस से छुट्टी कैसे लेता है मतलब हम लोग लगातार कार्यक्रम में रहते हैं कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं सब लोग हमारे स्टेटस हम लगाते हैं लोगों का कमेंट आता है सबको पता है कि हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तू छुट्टी कैसे लेता है क्या बोलता है अपने बॉस को सर क्या हो गया सर मेरी सास मर गई। अच्छा ऐसा बोलता है तो क्या होता है 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अच्छा फिर छुट्टी लेनी हो तो सर अरे अब क्या हो गया मेरा ससुर मर गया सर। अच्छा फिर क्या होता है फिर 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अच्छा फिर छुट्टी लेनी हो तो सर मेरी सास मर गई। अब एक मिनट फिर छुट्टी लेनी हो तो मेरा ससुर मर गया सर। ये कंफ्यूजन है क्या पहले तेरी सास मर गई हाँ फिर तेरा ससुर मर गया हाँ फिर तेरी सास मर गई हाँ फिर तेरा ससुर मर गया हाँ तो बॉस ने कुछ नहीं कहा बॉस ने ही यही कहा फिर तूने क्या कहा मैंने कहा हाँ सर हाँ सास मरती है तो ससुर शादी कर लेता है और ससुर मरता है तो सास शादी कर लेती है। जरा तालियां बजाते तो मजा आ जाएगा मैं भी बड़े कंजूस लोग हैं कंजूस लोग हाँ या फिर हो सकता है क्या दूसरे का पॉकेट मार रहे हो पॉकेट मार रहे हो चल बड़ा मजा आया क्योंकि इतनी हर तरफ से साउंड आ रही है उधर किसी का कुछ खो गया है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं गाड़ी दूंगा इतना हाँ वो गाड़ी को सीधा कर रहे हैं। अच्छा 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 चल अभी जाने का समय हो गया है बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज किधर है करिश्मा करिश्मा तेरे को नजर आई क्या अरे मस्त है खूबसूरत है हाँ उसको देखने का तेरे को देखने का मन ही नहीं करता है ऐसे भी लोग मुझे मेरी आवाज के लिए पहचानते हैं थोड़ा बहुत क्रीम लगाया कर हालांकि क्रीम ही तेरा कुछ नहीं सुधार सकता है चुप रहे क्यों धर्मेंद्र ये धर्मेंद्र है कि हेमा मालिनी नहीं धर्मेंद्र ही है लेकिन गाना गाता है हेमा मालिनी की तरह हाँ थोड़ा बहुत गाता है उसकी तरह और बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन लेडीज एंड जेंटलमैन एंड लेडीज हेलो हेलो कुछ जेंटलमैन कैसे हैं आप कैसे हो लेडीज जेंटलमैन कौन बोलेगा तू क्यों नहीं बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जेंटलमैन
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमेडियन राज सोनी नाम से आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। लेडीज चली गई क्या? पूरा बोल ना। लेडीज नहीं गई है तो पूरा बोल रहा हूँ मैं। ओके बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या हुआ, कुछ कहना है? ठीक है, कुछ कुछ कहना रह गया इसके लिए, कहते एक जोरदार ताली हो जाए राज सोनी जी के लिए, बहुत अच्छी प्रस्तुति इनकी रही। अब आगे मंच का संचालन के लिए फिर से थोड़ा रोमियो को वरिष्ठ देंगे और उसके बाद खुद आएंगे।